बिहार, मधेपुरा कुमारखंड से मधेपुरा जिला राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना की जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी आज कुमारखंड प्रखंड के इसराइन कला गांव वार्ड नंबर 2 शिव मंदिर के प्रांगण में छठ घाटों का किया निरीक्षण, जिसमें जिला सचिव सुमन कुमार सुमन एवं कुमारखंड थाना अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना का मुकेश कुमार शामिल थे, जिसने घाटों का निरीक्षण करने पर समस्त ग्रामवासियों को सहर्ष और सौंदर्य के साथ जितनी भी त्रुटि हो घाटों पर चाहे NDRF टीम या पुलिस प्रशासन एवं मानवाधिकार सेवा के तहत जो भी आवश्यकता है सभी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने की बात कही है। इस पर जिला अध्यक्ष का कहना था कि चाहे मानवाधिकार सेवा से हो चाहे ग्राम पंचायत मुखिया से हो, यथासंभवम सभी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, बल्कि मधेपुरा जिला की घाटों का निरीक्षण करने का प्रयास हमारे मानवाधिकार सेना जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी ने किया है कि सभी घाटों का निरीक्षण करेंगे और सभी घाटों पर जो त्रुटि है उसको भी दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। केजला सचिव और कुमारखंड प्रखंड थाना अध्यक्ष मुकेश झा भी शामिल थे। मानवाधिकार मीडिया सेल के बिहार स्टेट रिपोर्टर सुमन कुमार सुमन के साथ कैमरामैन मुकेश झा। ये आप घाट देख रहे हैं, पोखर देख रहे हैं, इन पे सदियों से चली आ रही है हमारे हिंदू धर्म की छठ पर्व, जिसमें कभी भी अप्रिय घटना हुई थी उनको हम लोग मद्देनजर रखते हुए सरकार से NDRF से प्रश्न और जो आपके ग्राम पंचायत मुखिया से भी शुक्र करेंगे कि फिर वो जो घटना पहले घटी वो घटना घटी नहीं, घटना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी का पूर्ण तरह सहयोग है कि मैं जहां तक संभव होगा, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार से हो, चाहे DM से हो, चाहे ग्राम कचहरी से हो, हम यथासंभव प्रयास करेंगे। तो मैं सर से गुजारिश करूँगा कि मैं हम लोग के देखते हुए और यहाँ की जनता को देखते हुए जो भी सुविधा सड़क से हो ये प्रदान करें। अब इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, सुचारू ढंग से काम प्रखंड में रहते हैं आप भी मुकेश जी, आपका भी दायित्व बनता है मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना की तरफ से कि जो भी अप्रिय घटना हो, जहाँ भी कोई दिक्कत हो, और हमारे सेना में भी अध्यक्ष साहब और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेकब साहब जी हैं, उन लोगों का भी कहना है कि समाज में जो अश्लीलता और अपमानजनक घटना होती है उसको हटाए। तो इसीलिए घाट नहीं, घाट की बात तो दो रोज की होती है, लेकिन समाज में कुरीतियां बरसों से चली आ रही है। तो हम सर से और आपसे भी अनुग्रह करेंगे कि समाज में इस तरह की कुरीतियां नहीं हो, इसलिए हम लोग पहल किए हैं। आगे ऊपर वाले की मर्जी। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक और जिला अध्यक्ष के साथ हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना के कुमारखंड थाना अंतर्गत थाना अध्यक्ष मुकेश झा जो अभी नियुक्त हैं, उनके अनुसार जो उनसे भी थोड़ा मिल लेते हैं क्या इनके नाइन को घाट के। आपका नाम सर? मेरा नाम मुकेश झा, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना से कुमारखंड थाना अध्यक्ष के पद पर नहीं हूँ। आप जो हमारे अध्यक्ष जी के साथ चल के आए हैं मधेपुरा की दूरी तय करके, इसमें क्या आप लोगों ने घाट निरीक्षण के बारे में क्या पाए हैं? सर रही सवाल छठ की, तो छठ पूजा हमारे यहाँ सिर्फ बिहारों में ही नहीं, ये तो हर जगह देश विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हम अपने जिला अध्यक्ष के साथ यहाँ चल करके आए हैं इसलिए कि ताकि इस घाट की जो सार्वजनिक घाट हैं, इन घाटों की जो भी तरह की त्रुटियाँ हो, उन त्रुटियों को हमारे जिला अध्यक्ष साहब और आगे DM साहब SP साहब से आदेश करवा करके इन सारी त्रुटियों की यथासंभव सुविधाएं लागू करें। तो आप मधेपुरा जिला के तो अध्यक्ष साथ में तो करीब करीब घाट की जिला निरीक्षण करेंगे,
जी 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 टाइम तो बहुत कम है और करना आपकी पूरी उम्मीद की है तो आप जी हाँ, हम लोग इस टीम के साथ पूरा हर प्रखंड और हर प्रखंड ही नहीं सर, हर घाट जो भी सार्वजनिक घाट हैं, हम लोग हर घाट पर जा करके हर घाट का निरीक्षण करेंगे। अभी आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार के कुमारखंड प्रखंड से थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार जी की बातें सुनी। आगे हम लोग इसी तरह इनके साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना और राष्ट्रीय मानवाधिकार मीडिया सेल दोनों मिलके मधेपुरा जिला की करीब करीब घाटों का निरीक्षण करेंगे। इसमें जैसा संभव हो हम यथासंभव प्रयास करेंगे। नमस्कार।